दोस्तों अगर जो जो लोग मनाली चंद्रताल करके गए हैं तो उन लोगों को विश्वास नहीं होगा कि यार ये रोड देख के कि यार इस रोड में इतना अच्छा काम हो रहा है। टैंकर देख लो कितनी स्पीड से जा रहा है यार, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि यार मनाली चंद्रताल का रोड इतना अच्छा हो गया है। एंड दोस्तों जो भाई लोग अपना बाइक लेके प्लान कर रहे हो चंद्रताल जाने का इस वक्त, तो अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है यार, मौसम काफ़ी ठंडा है, पानी भी काफ़ी ठंडा है, तो बाइक में यार थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। ये बाइक अपना इंडिया बाइक का तो है नहीं, इंडियन बाइक है ये हैं यार, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक ऐसा बाइक हैं। अच्छा अजीब ही बाइक है भाई, बट अच्छा है भाई लोग। दोस्तों इस पहाड़ के पीछे ये चंद्रताल झील, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर जाके ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये सारी के सारी कैंप साइट है चंद्रताल में, एंड कुछ कैंप साइट आगे जाके भी है। दोस्तों व्यू चेक करो यार, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार, चंद्रताल से मनाली वाले रूट के लिए हम लोग वापस जा रहे हैं, बट व्यू एकदम आ रहा है यार, एक नंबर। एंड दोस्तों यहाँ पे जो आपको प्लांट दिख रहा है ये बीआरओ का प्लांट है जो इस रोड को अभी ठीक कर रही है या अभी रोड को बना रही है, तो आगे शायद छतड़ू से बातल तक वहाँ पे यार अच्छा खासा रोड बन गया है, बाकी आगे जाके देखते हैं कैसा रोड बना दिया है अभी। एंड दोस्तों अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं मनाली टू चंद्रताल HRTC बस से, तो काजा के लिए ये बस डायरेक्ट जाती है, तो पहले से अब जो बस जाते हैं यार पहले से इनको अभी ज़्यादा राहत मिलेगी रोड के अकॉर्डिंग। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सनी, कैसे हैं आप सब। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूं यार, एक्चुअली यार घर पे ही था, घर में बहुत ज़्यादा काम है आजकल, क्योंकि मार्केट में यार टूरिस्ट का काम तो है नहीं, तो काफ़ी टाइम से अपना ट्रैवलर भी घर पे ही खड़ा था आपको पता ही है, तो आज काफ़ी दिनों के बाद टूर मिला है चंद्रताल का, तो 2 दिन का ट्रिप है, तो अभी सुबह के 6:30 हो गए हैं, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, यहाँ से पहले मैं जाऊँगा क्लाथ जाऊँगा, क्लाथ में फिर पहले शावर लूँगा, एक्चुअली यार वहाँ पर हॉट स्प्रिंग है तो सुबह सुबह गर्म पानी में कुंड में नहाएंगे, उसके बाद टाइम अपने पास 8 बजे है, 8 बजे होटल पहुंचना है। तो आज का ब्लॉग अटल टनल सोलांग वैली होते हुए हम लोग जाएंगे चंद्रताल लेक, तो चंद्रताल लेक का भी आपको अपडेट देंगे और वहां पे स्टे भी करेंगे आज। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो गए हैं एंड जस्ट अभी रात खुली है, आधा घंटा हो गया है, एंड आज पहला दिन है यार मौसम ऐसा कुछ चेंज हो गया, बाकी अदरवाइज सारे दिन यार मौसम बिल्कुल साफ़ था, अच्छी खासी धूप डेली हो जाती थी, बट आज देख लो मौसम कैसा हो गया, फॉग ही फॉग हो गया। हो सकता है अटल टनल क्रॉस करके हम लोगों को ये वाला फॉग ना मिले, उस साइड मौसम थोड़ा सा साफ़ रहता है यार। बाकी अभी यहाँ से चलेंगे क्लाथ, क्लाथ में पहले नहाएंगे धोएंगे फिर चलेंगे होटल, तो गाड़ी भी अपनी ऑलमोस्ट अब गर्म हो गई है, आधा घंटा हो गया है इसको। तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूं मैं अपने पेट्रोल पंप पे, यहां पे टैंक फुल करेंगे गाड़ी का, तो उसके बाद निकलेंगे सीधा मनाली के लिए। तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूं मैं क्लाथ में, यहां से मनाली 5-7 किलोमीटर है, एंड यहां पे है हॉट स्प्रिंग का यार स्विमिंग पूल, तो गर्म पानी में सुबह सुबह लोग यहाँ पर आ जाते हैं नहाने के लिए, तो अभी मैं आपको अंदर जा कर दिखाता हूँ। सिर्फ 30 रुपये में आप यहाँ पर नहा सकते हैं, पहले भुगतान करें, पेमेंट कर देते हैं पहले फिर चलेंगे इधर। तो ये है दोस्तों अपना हॉट स्प्रिंग स्विमिंग पूल, यहाँ पे नहाएंगे, पानी भी आज बिल्कुल साफ़ है। दोस्तों इस स्विमिंग पूल में ना सुबह सुबह नहाने का कुछ मज़ा ही अलग है यार, पानी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है, तो अभी कुछ ही बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं, तो फटाफट से नहाएंगे तो उसके बाद चलेंगे दोस्तों वशिष्ठ के लिए। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ मनाली वॉल्वो बस स्टैंड पर, यहाँ पे रुक गया था यार, चाय पी लेते हैं सुबह सुबह, एक गिलास चाय पियेंगे। एंड सारी की सारी वॉल्वो बसें दोस्तों रोड पे ही लग रही है, क्योंकि यार अंदर बस स्टैंड के रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो तब करके सारी बसें लग रही है इधर ही। अच्छा खासा क्राउड है यार, काफ़ी पब्लिक आ रही है। बाकी यार मेन चीज़ आपको बताऊँ तो ऐसे में यार सबसे ज़्यादा आपको अगर स्नोफॉल देखना है तो मौसम जैसे ही ख़राब हो जाता ना वैसे ही आपको रोहतांग निकल जाना चाहिए, जैसे आज बारिश है तो आज ही आप रोहतांग निकल जाइए, तभी आपको लाइव स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा इस वक्त। दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ मैं अपने दोस्तों भाई लोगों के कॉटेज में, ये वाला भाई लोगों का कॉटेज है, तो अभी थोड़ी देर में ये लोग निकलने वाले हैं। एंड सुबह सुबह यहाँ पर यार अच्छा खासा ट्रैफिक लग जाता है वशिष्ठ वाले रोड पर, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा नैरो है, एंड सुबह सुबह स्कूल की बसेज भी ज़्यादातर चलती है, बहुत सारी बसें आती है यहाँ पे यार इस रोड पे, स्कूल बसेस,
तो गाड़ी भी रोड पे लगा दी है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है नहीं यार, कहीं पे भी पार्किंग नहीं है। मोस्ट ऑफ वशिष्ठ में आपको पार्किंग नहीं मिलेगी यार। मौसम बिल्कुल ख़राब ही है यार, साफ़ होने का बिल्कुल भी लग नहीं रहा कुछ। देखते हैं अटल टनल के बाद शायद नज़ारा कुछ चेंज हो जाए, फॉग के अलावा हो सकता है फिर वहाँ पे भी बारिश हो सकती हो। तो सब भाई लोग अपने आ गए हैं, लास्ट बार जाते वक्त यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं होटल पे। अभी निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों अभी होटल से निकले ही हैं, तो देख सकते हैं आप बारिश भी हो रही है एंड पूरे रास्ते में फॉग ही फॉग आ गया यार। तो ऐसे में व्यू तो कुछ भी नहीं दिखेगा, बाकी देखते हैं आगे कैसा मौसम मिलेगा। दोस्तों अभी मनाली से हम लोग जस्ट 2-3 किलोमीटर आगे ही आए हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को ट्रैफिक लग गया है, पता नहीं क्या पंगा हो गया यार आगे। देखते हैं आगे जाके क्या हुआ है। दोस्तों पलचान में यार काफ़ी लंबा जाम लग गया है यार, जिसकी वजह से हम लोग 3-4 किलोमीटर नीचे फंसे हुए थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, काफ़ी बड़ा डंपर है यार मशीन, इसके ऊपर लोडर है, तो इसके ऊपर मशीन चढ़ी हुई है यार, ये एक साइड को खिसक गया है। तो अभी घर के किनारे के साथ यार ये फंस गया है यहाँ पर, उसकी वजह से पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया है, सिर्फ छोटी गाड़ी नहीं निकल रही है अभी। दोस्तों इस ट्राले की फंसने की वजह से यार यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा जाम लग गया है, एंड ये वाला जाम मुझे लग रहा है सोलांग वैली तक हो गया होगा, क्योंकि हम लोग 2-2.5 घंटे से यार यहाँ पे फंसे हुए थे। तो साफ से मुझे लग रहा है कि नीचे वाली लाइन फंसी है, तो ऊपर वाली लाइन में भी काफ़ी लोग फंसे हुए होंगे। ये देखो सब के सब गाड़ियाँ लेह लद्दाख स्पीति वैली से आ रही है यार, सुबह सुबह ही फंस गए यहाँ पर। दोस्तों अभी हम लोग अटल टनल क्रॉस कर लिए हैं, लाहौल की साइड में पहुंच गए हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ है यार, एंड मनाली की साइड में अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तो जब हम लोग होटल से स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको बता दिया था यार शायद अटल टनल क्रॉस करके हम लोगों को मौसम साफ़ मिल सकता है, तो सही है यार आज मौसम भी बिल्कुल साफ़ है। दोस्तों सामने ही है कोक्सर, वहाँ पे पुलिस स्टेशन आएगा कोक्सर पुलिस चौकी, तो वहाँ पे गाड़ी की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। एंड कोक्सर में यार ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे। दोस्तों अभी पहुँच गए हैं हम लोग कोक्सर में, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट यहाँ पर कर लिया है, और हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं यार पीछे जब जाम लग गया था उसकी वजह से, 1 बज गया यहाँ से। यहाँ पर हम लोगों को अभी तो शायद शाम को ही पहुँचेंगे यार 5-6 बजे, आज पता नहीं चंद्रताल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं। बाकी यार इस साइड मौसम थोड़ा सा साफ़ है कोक्सर की साइड में, बाकी देखते हैं आगे जाके चंद्रताल को कैसा रोड है और मौसम कैसा है। दोस्तों अभी हम लोग ग्रामपू से स्पीति वैली वाले रोड पे एंटर हो गए हैं, एंड जैसा कि आपको पता है यार ये वाला रोड पूरा का पूरा ऑफ रोड है पूरा चंद्रताल तक, तो हम लोगों को ऐसे ही आराम से 20 या 30 की स्पीड से ही जाना पड़ेगा। एक्चुअली यार इससे ज़्यादा फास्ट यहाँ पे चल भी नहीं सकते, क्योंकि रोड के जिस हिसाब से बुरे हालत है यार मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ी गाड़ी लेके ही यहाँ पर आना बेटर है यार, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे भी है रोड पर। दोस्तों अभी ग्रामपुर से चल के हम लोग छतड़ू पहुंच गए हैं, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का रन है यार, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें, काफ़ी बड़ा प्लांट लग गया है बीआरओ वालों का, ऐसा लग रहा है इसको देख के कि यार आगे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से प्लांट लग रहा है यार लग रहा है कि आगे कुछ रोड का काम जोरों शोरों से हो रहा होगा। बाकी देखते हैं आगे जाके कैसा रोड बन गया है, काफ़ी मशीनें काफ़ी बड़े बड़े ट्रक आ गए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं छतड़ू में, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे सिर्फ चाय पानी पीने के लिए, फ़ोटो भी खींचने चले गए हैं भाई लोग पीछे रिवर साइड पे। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे चंद्रताल, देखते हैं यार अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम लोग पहले ही स्टे कर लेंगे चंद्रताल में ही, देखते हैं आगे जाके। धूप भी चली गई है, बट इस टाइम इस साइड मौसम बिल्कुल साफ़ है। एंड एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, पीछे आपने देखा होगा मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे प्लांट लग रहे हैं बीआरओ वालों के, क्योंकि वो इस रोड को ठीक कर रहे हैं, तो
तो जैसा ऑफ रोड है दोस्तों, आने वाले टाइम में शायद एक दो साल में इस वाले रोड पे अच्छी खासी टायरिंग हो सकती है वैसे, क्योंकि रोड में अभी काम हो रहा है, आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे दोस्त बोल रहे थे यार अच्छा खासा काम हो गया इस रोड पर, काफ़ी खुला हो गया है। तो बाकी इसके आगे तो पूरा ऑफ रोड ही था, बाकी अभी देखते हैं आगे जाके कैसा रोड बना दिया है BRO वालों ने। दोस्तों आपको मैं सच बताऊं तो यार, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि यार जिस हिसाब से रोड का काम चल रहा है ना, आने वाले टाइम में यहाँ पे यार गाड़ियाँ फुल पावर स्पीड से चलेगी, 70-80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से। लास्ट ईयर तो यार यहाँ पे इस रोड पे यार इतना मतलब कंजेस्टेड रोड था, और ऊपर से पत्थर गिरने के इतने ज़्यादा चांसेस होते थे ना, तो डरते डरते यहाँ से जाना पड़ता था। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे यार बहुत ही ज़बरदस्त जोरों शोरों से काम चला हुआ है यार। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों XUV 300 यार, यहाँ पे छोटा सा नाला है, ये छोटा सा एरिया है, ये क्रॉस नहीं हो पा रहा है इसे। एक्चुअली एक्सीलेटर दे नहीं रहा यार, इसको थोड़ा पावर देनी पड़ेगी गाड़ी को अच्छे तरीके से, तब जाके ये गाड़ी चढ़ेगी। तो अभी इसको पीछे करते हैं हम लोग निकल जाते हैं यार। दोस्तों इस रोड को देख लो यार, दोनों साइड आप खुद ही देख सकते हैं यार कितना काफ़ी चौड़ा हो गया है रोड। एंड सामने जो टैंकर आ रहा है ना, इसकी स्पीड देख लो यार, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं यार गाड़ी कितनी स्पीड से यहाँ से जा रही है। तो पिछले साल जब यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी यार 20-30 से ज़्यादा स्पीड नहीं होती थी, तो अब इस टाइम ही यहाँ पर अभी कच्चा रोड है फिर भी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड से जा रही है। तो दोस्तों छतड़ू से बातल तक ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर है, तो पूरे 50-55 किलोमीटर के एरिया में यार सारा का सारा रोड बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो गया है। तो पहले जहाँ पे भी ट्रैफिक लगता है कंजेस्टेड पहाड़ था, तो हर जगह यार उन्होंने पहाड़ काट के रोड को बहुत ज़्यादा खुला कर दिया है। ट्रैफिक की तो टेंशन ही ख़त्म कर दिया यार, जहाँ पर जगह जगह ट्रैफिक लगता था वो सब ख़त्म कर दिया है। एंड ये वाला जो रोड है ना, दोनों पहाड़ के बीचों बीच काट के निकाला है यार। पहले जो पुराना रोड हुआ करता था वो रिवर के साइड में हुआ करता था, वो नीचे जाके वो देख सकते हैं पुराना रोड। सनसेट भी होने ही वाला है, धूप चली जाएगी यार थोड़ी देर में। दोस्तों शाम के 5:30 हो गए हैं, तो थोड़ी देर में यार अंधेरा भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं धूप भी जाने ही वाली है। तो अभी भाई लोग बोल रहे थे यार कि सीधा ही चले जाएंगे चंद्रताल लेक पे, तो ताकि यार अंधेरा होते यार हम लोग सीधा अपने कैंप साइट पे आ जाएंगे। तो देखते हैं अभी पहले चंद्रताल लेक देखेंगे, उसके बाद सीधा कैंप साइट में आके यहाँ पर कैंप ढूँढेंगे जहाँ पर हम लोग नाइट स्टे करेंगे आज। दोस्तों को नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त सनी। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? पिछले कल रात को हम लोग पहुँच गए थे यार चंद्रताल लेक पे, तो अंधेरा हो गया था, तो शाम को मैं यार अपडेट नहीं उसका ब्लॉग नहीं बना पाया, वीडियो नहीं बना पाया चंद्रताल लेक का। तो भाई लोग गए थे लेक के पास, तो वहाँ से मैं आपको दिखा दूँगा चंद्रताल लेक का व्यू। एंड हम लोग यार अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं, चंद्रताल पे ही हम लोग कैंप साइट है जहाँ पे, तो वहाँ पे रुक गए थे रात को, क्योंकि चंद्रताल लेक से आते आते यार अंधेरा हो गया था। तो यार रात को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि यार कैंप सारे के सारे यहाँ पे पैक चल रहे थे, तो जगह जगह कई जगह कैंप्स चेक किए, उसके बाद जाके यहाँ पे यार ये कैंप साइट में हम लोगों को कैंप मिल गया। तो यहीं पर रुक गए थे रात को, तो अभी निकल रहे हैं वापस मनाली के लिए। एंड यार ठंड की बात करूँ तो यार बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंड है, यहाँ पर स्टे करना और सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लास्ट लास्ट का टाइम है। तो ये कैंप वाले भाई लोग बोल रहे थे हम लोग 2-4 दिन में यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि यार कैंप को बंद कर रहे हैं, तो अगले साल ही ओपन होगा इनका कैंप। अब इनका नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे कैंप साइट है ये सब के सब अब चले जाएंगे थोड़े दिन में, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कैंपिंग नहीं मिलेगी, तो लोगों को सिर्फ अपना चंद्रताल लेक देख के वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि यार यहाँ पर इतना ठंडा है ना, तो आदमी को कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है रात को, तब करके लोग यहाँ पे यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने अपने घरों के लिए। दोस्तों इस पहाड़ के पीछे ये चंद्रताल झील, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर जाके ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये सारी के सारी कैंप साइट है चंद्रताल में। एंड कुछ कैंप साइट आगे जाके भी है, मैं आपको यहीं से भी दिखा सकता हूँ।
इस साइड भी काफ़ी कैंप साइड है, तो हम लोग बिल्कुल बीच में रुके हुए थे, यहीं पे अपना कैंप है। और गाड़ी स्टार्ट करने रख दी है, अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट भी हमारा हो गया है। ये बाइक अपना इंडिया बाइक का तो है नहीं, इंडियन बाइक है ये हैं यार, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक ऐसा बाइक हैं। अच्छा अजीब ही बाइक है भाई, बट अच्छा है। भाई लोग आए थे अपने उत्तराखंड से बाइक लेके। अच्छा भाई रात को मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं देख रहा था कौन सा बाइक है ये। भाई लोग जाएंगे स्पीति, तो सारा बैकपैक हमारा हो गया दोस्तों। भाई लोग अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बस लास्ट बार यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है। बाइक वाले भाई भी हमारे जा रहे हैं काजा के लिए। ठीक है भाई जी, ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों अभी हम लोग चंद्रताल से आ गए हैं अभी बादल में, तो बादल में रुक गए हैं यहाँ पे चाचा चाची के ढाबा के पास, तो चाय पानी पीने रुक गए हैं। मौसम बिल्कुल साफ है यार, ये बेस्ट चीज़ हो गई। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे काजा स्पीति वाले रोड में यार, सबसे डेंजरस रोड यहाँ पे हुआ करता था यार, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, तो एक बार में दो गाड़ियाँ यहाँ पे क्रॉस नहीं हो पाती थी। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यार, पूरे के पूरे पहाड़ काट के यहाँ पे पूरा प्लेन कर दिया है, एंड अभी भी काम चालू है। वो देख लो, शायद यहाँ से रोड जाएगा अभी, आने वाले टाइम में ये वाला रोड ख़त्म हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं HRTC की बस में काजा स्पीति से, तो ये बस मनाली से सीधा काजा स्पीति के लिए जा रही है, तो इस बस में भी आप टाइमिंग नोट चेक करके आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यार पहले के अकॉर्डिंग यार रोड बहुत ज़्यादा सही हो गया है, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जो बस में भी ट्रैवल करते करते रहते हैं। दोस्तों अभी रिटर्न पहुँच गए हैं हम लोग छतड़ू में, तो यहाँ पर चाय पानी पिया बस। भाई लोग अभी चाय पी के निकले, लंच हमारा हुआ नहीं है, लंच अभी कोक्सर में जाके करेंगे। दोस्तों 4-5 घंटे ट्रैवल करने के बाद बड़ी मुश्किल से अब हम क्रम्फू पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पक्का रोड स्टार्ट हो गया यार, इसकी भी एक अलग ही खुशी है यार। कंटिन्यू ऑफ रोड कर करके आदमी काफ़ी दुखी हो जाता है यार, अब जाके अच्छा रोड आया है। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों अटल टनल के पास, तो यहाँ से अभी सीधा जाएंगे यार, रुकेंगे नहीं कहीं पे भी, क्योंकि भाई लोगों की बस है, तो ऐसा ना कि कहीं लेट हो जाए, तो अभी सीधा बस स्टैंड जाएंगे। तो दोस्तों अभी शाम हो गई यार, 6:30 हो गए हैं, अंधेरा भी होने ही वाला है, तो भाई लोगों को अभी ड्रॉप करने आया हूँ वॉल्वो बस स्टैंड पर, तो अभी इनको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई लोग कैसा रहा 2 दिन का एक्सपीरियंस? सनी भाई के साथ घूम के बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा किया आपके साथ। अगली बार आएंगे तो यही आएंगे आप, जरूर आप और कहीं नहीं जाएंगे। गाइस आपको जब भी हिमालय में आना है, हम नंबर नीचे हिमाचल मनाली में नीचे नंबर आपको दिए जाएगा, देखो कॉल आ गया सनी भाई, और सब्सक्राइब, थैंक यू भाई, सब्सक्राइब जरूर, थैंक यू।